क्यों रो रही नहीं, पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो, मैं बंद कर दूंगी। इडली मम्मी मुझे ना बाबू की बहुत याद आती है। मैं ना जब दुकान में जाते शाम तक खाना नहीं खाता, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ ना। तो रात को आके खाते हैं ना बेटा। रात को खाते हैं ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना। मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस खाएगी। मेरी बात सुन, दुनिया की हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है, अच्छा इसीलिए वो दुबकी पतली हो जाती है। अच्छा खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खा के इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे बताओ ना, खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते, वो भी खाना खाते हैं। अपने बाबू भी खाना खाएंगे, भूखे भूखे तो खा चले। ओ बाप रे, मतलब खाना खिलाते ना, पापा नाश्ता ले जाते हैं दुकान पे। मुझे टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे चिंता होती है पापा की। मैं क्या करूँ अब? मेरे स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। मैं क्या करूँ? पापा को आप प्यार